अब समझ में आता है, वी आर इन इट टू विन इट क्या है, ये अब समझ में आता है। कटहल कटेगा सब में बटेगा, अब समझ में आता है। कंपनी बोलती है वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी, ये अब समझ में आता है दोस्तों। अब यहां करके धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा है, लेकिन मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था, आज से 4 साल पहले समझ में आ गया था कि व्हाट इज प्लग एंड प्ले सिस्टम, व्हाट इज इन इट टू विन इट, मुझे 4 साल पहले पता चल गया था कि ये क्या होने वाला है। प्लग एंड प्ले सिस्टम मतलब प्लग हो गए तो आप प्ले हो गए, आपको कुछ करना नहीं है। जिस एयरक्राफ्ट में हम लोग सवार हैं ऑन पैसिव के, वो उसका स्पीड इतना है कि दुनिया में इतना स्पीड किसी का नहीं है, और हमको क्या करना है, सिर्फ बैठना है, ठंडा हवा खाना है, इंजॉय द प्रोसेस, नथिंग फॉर एल्स, कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। सब टेंशन दे दीजिए हमारे ऐश मुफारा को, हमारे और आपके सारे टेंशन उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम लोगों को ठंडी हवा खाना है, यात्रा का आनंद लेना है, ऐसी यात्रा का आनंद, ऐसा रोमांचक पल आने वाला है दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसी भी दुनिया होती है क्या, ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है क्या, ऐसा भी पेमेंट प्रोसेसर हो सकता है। जैसे अभी हम लोग को पेंडिंग विड्रॉल नहीं आया, तो पेंडिंग विड्रॉल नहीं आया तो बहुत सारे लोग पैनिक है कि हम सितंबर में लगाए थे, अक्टूबर हो गया, 6 महीना हो गया, नहीं आया। दोस्तों नहीं आने से मतलब ये नहीं है कि हम डिले हो गए, हम और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हमारी कंपनी डिले नहीं हुई है, और मजबूती से क्या कमी रह गई है उसको बार बार वो विचार करते हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा, हर एक चीज को बार बार टेस्टिंग करते हैं कि क्या कमी रह गई है उसको सुधार करते हैं, ताकि हम जब आए मार्केट में तो हम यहां पर हंसी का पात्र ना बने कि हम बोलते हैं कि वी आर द मदर ऑफ ऑल बिजनेस, ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस, हम ही इंटरनेट होने वाले हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं दुनिया को। और हमारा अगर पेमेंट सिस्टम आए और खुश हो जाए कल के डेट में, तो लोग तो मजाक का पात्र हम लोग को बना देंगे, हम लोग हंसी का पात्र बन जाएंगे, ऐश मुफारा को लोग गलत सलत बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए ऐश मुफारा सर बार बार चेक करते हैं, हर एक चीज पर, हर एक पहलू पर विचार करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तब वो हम सबके सामने लाते हैं, डंके की चोट पर कोई उसको हिला नहीं सकता है। तो जो हमारा पेमेंट मर्चेंट है, हमारा जो वो बैंक है, एक झटके में हम सबको मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा ने बोला है डेबिट कार्ड भी हम सबको देने वाले हैं। तो जब डेबिट कार्ड हर एक आईडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपको ओ वेरीफाई जैसे ही होगा, ओ वेरीफाई भी बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे ही आपका केवाईसी होगा, हम सभी के वैलेट में डेबिट कार्ड को जोड़ दिया जाएगा। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आज सर ने एक विस्फोट करके गया है, तो मुझे जो पता है वो माइंड ब्लोइंग है दोस्तों, एक झटके में करते हैं। कुर्सी है तो प्लीज माइक बंद कर लीजिए। एक झटके में हम करोड़ों लोगों को पेमेंट कर सकते हैं, हम दुनिया का सबसे पावरफुल शक्तिशाली पेमेंट मर्चेंट बनाने वाले हैं, पेमेंट गेटवे बनाने वाले हैं, जो बन चुका ऑलरेडी, बस लेट उसी में हो रहा था। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं मित्रों, कि आपने अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाए हैं, लेकिन उसको खिलाने का सिस्टम भी तो चाहिए ना, रोड में तो खड़ा करके नहीं दे सकते हैं, भगदड़ हो जाएगा, कोई दाल के उसमें गिर जाएगा, कोई चावल वाले में, कोई रोटी लेके भागेगा, वहां पे भगदड़ सी स्थिति हो जाएगी। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हमने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, हमने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो सही होना चाहिए। हम पेमेंट मर्चेंट को सही कर रहे थे, हम अपने ओ बैंक को सही कर रहे थे, हम अपने पेमेंट गेटवे को सही कर रहे थे, ताकि लोगों को लगे यस, यही तो हम खोज रहे थे। हो सकता है 6 महीना हमारा लेट हुआ, या हो सकता है 10 दिन महीना दिन और भी लेट हो, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता हो, लेकिन ये मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि ये जिस दिन स्टार्ट होगा, उस दिन से आपके जीवन में रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से आप अलग निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा सर ने एक बात और कही थी, इस एक बार स्टार्ट होने दीजिए,
इसके बाद उस डेट को नोट कर लीजिएगा, उस डेट के एक साल पूरा होने के बाद हम आपसे पूछेंगे, एस ने बोला था, हम आपसे पूछेंगे क्या आपके सपने आपके ड्रीम पूरे हुए। अगर नहीं हुए हैं तो हमें बताइए, हम आपके सपनों को पूरा करने में पूरा पूरा मदद करेंगे। ये एस का कथन है। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं कि एक साल के बाद आपकी जीवन शैली कैसी होगी, एक साल के बाद आपकी वैल्यू क्या होने वाली है ऑन पैसिव में। ये प्लग प्ले सिस्टम का हमारा प्लानिंग है दोस्तों, जो हम लोग यहां पर आ चुके हैं। जो लोग संस्थापक सदस्य बन गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो लोग नहीं बन पाए उनके लिए अभी भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कस्टमर के रूप में, एफिलिएटर के रूप में यहां पर आ सकते हैं। मेरी बात को आप नोट करके रखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में यहाँ कस्टमर भी राजा होने वाला है ऑन पैसिव में। ये कस्टमर बेस कंपनी है, ऐसा नहीं है कि पांच लगाओ दस पा वाला है, रियल बिजनेस है। ऑन पैसिव इज द रियल कंपनी, रियल पीपुल, रियल प्रोडक्ट, सब कुछ यहाँ पर रियल है। तो कस्टमर ही नहीं रहेगा तो पैसों का आवागमन कहां से होगा। तो हम पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों पर हम ये टारगेट किए हैं कि पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है हम एक झटके में यहां पर लाने वाले हैं, और ये कई गुना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे, जो हमारा ओ कनेक्ट का जो यूजर है वही ओ मेल का भी यूजर होगा, वही ओ नेट का भी यूजर होगा, वही ओ बैंक का यूजर होगा। यानी इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा धरती पर जो हमारा ऑन पैसिव का यूजर नहीं होगा, चाहे ओ मेल के माध्यम से। जैसे हम लोग जितना भी एंड्रॉइड या कोई भी गैजेट्स चलाते हैं तो हमें ईमेल की जरूरत होती है, जीमेल की जरूरत होती है, उसी तरह से आने वाले टाइम में दोस्तों हर एक डिवाइस में ओमेल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप ओमेल नहीं रखेंगे तो आप उस डिवाइस को लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। अब ये जो गैजेट्स आ रहे हैं वो आप देखेंगे, हमारे बहुत सारे गैजेट्स मार्केट में बिक चुके हैं, आपको मालूम नहीं है, मुझे पता है कि कौन कौन सा बिका है, क्या क्या बना है, लेकिन हम नहीं बता सकते। वो एस उफार आकर के आप सबको बताएंगे, तब आपको अफसोस होगा, अरे वाह एस सर ने इतना बड़ा बड़ा काम किया और हम लोग उनको बला बुरा बोल रहे थे, हम उनकी निंदा कर रहे थे, तो तब आपको अफसोस होगा। पर्दा तो उठने दीजिए दोस्तों, अभी पर्दा उठने दीजिए ऑन पैसिव में, ये क्या होने वाला है हमारे और आपके कल्पना से बाहर है, अकल्पनीय अविश्वसनीय है दोस्तों। ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा रहस्य भरी, ये एक जैसे गुल्लक बोला जाता है, गुल्लक में कितना है वो किसी को मालूम नहीं रहता, ऐसे ही ये है, हरी कथा हरी अनंता। तो ऑन पैसिव में इसी तरह से है, इसका कोई विवेचना नहीं कर सकता है। जितना आप अंदर डूबेंगे उतना आपको मोती मिलते चला जाएगा। अब सोचिए ना, डॉक्टर आयान जो पीएचडी है टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, ऐसे लोग जिनका 40-40 साल का तपस्या किया हुआ अनुभव, वो आज ऑन पैसिव में सहस्र तैयार है काम करने के लिए। ऐसे 4000 लोगों का पूरा संगठन आज हमारे साथ काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? मोहम्मद कमाल जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे दुबई सरकार में, आज वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मोहम्मद नजाल को क्या समझते हैं, वो एक बहुत बड़ा मार्केटिंग ऑफिसर थे, वो मार्केट, उनको बहुत बहुत बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो लोग नहीं बन पाए उनके लिए अभी भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कस्टमर के रूप में, एफिलिएटर के रूप में यहां पर आ सकते हैं। मेरी बात को आप नोट करके रखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में यहाँ कस्टमर भी राजा होने वाला है ऑन पैसिव में। ये कस्टमर बेस कंपनी है, ऐसा नहीं है कि पांच लगाओ दस पा वाला है, रियल बिजनेस है। ऑन पैसिव इज द रियल कंपनी, रियल पीपुल, रियल प्रोडक्ट, सब कुछ यहां पर रियल है। तो कस्टमर ही नहीं रहेगा तो पैसों का आवागमन कहां से होगा। तो हम पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों पर हम ये टारगेट किए हैं कि पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है हम एक झटके में यहां पर लाने वाले हैं, और ये कई गुना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे, जो हमारा ओ कनेक्ट का जो यूजर है वही ओ मेल का भी यूजर होगा,
वही ओ नेट का भी यूजर होगा, वही ओ बैंक का यूजर होगा, यानी इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा धरती पर जो हमारा ऑन पैसिव का यूजर नहीं होगा, चाहे ओ मेल के माध्यम से। जैसे हम लोग जितना भी एंड्रॉइड या कोई भी गैजेट्स चलाते हैं तो हमें ईमेल की जरूरत होती है, जीमेल की जरूरत होती है, उसी तरह से आने वाले टाइम में दोस्तों हर एक डिवाइस में ओमेल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप ओमेल नहीं रखेंगे तो आप उस डिवाइस को लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। अब ये जो गैजेट्स आ रहे हैं वो आप देखेंगे, हमारे बहुत सारे गैजेट्स मार्केट में बिक चुके हैं, आपको मालूम नहीं है, मुझे पता है कि कौन कौन सा बिका है, क्या क्या बना है, लेकिन हम नहीं बता सकते। वो एसफुफर आकर के आप सबको बताएंगे, तब आपको अफसोस होगा, अरे वाह एस सर ने इतना बड़ा बड़ा काम किया और हम लोग उनको बला बुरा बोल रहे थे, हम उनकी निंदा कर रहे थे, तो तब आपको अफसोस होगा। पर्दा तो उठने दीजिए दोस्तों, अभी पर्दा उठने दीजिए, ऑन पैसिव में ये क्या होने वाला है हमारे